बाकी का सब संभाल लेना ठीक है। अरे हाँ फ्रैंकलिन सर, चिंता मत करिए। हाँ भाई हाँ, क्यारा को आना ना पड़े। अरे सर कोई बात नहीं, क्यारा मैम आएंगी भी तो सर ये वाली शिकायत है। हाँ मतलब क्यारा आए लेकिन उसको ये वाली शिकायत का सामना ना करना पड़े। अरे हाँ फ्रैंकलिन थैंक यू यार, तुमने आके बोल दिया, नहीं तो ये लोग ना मेरे सुन नहीं रहे थे। हाँ क्यारा बात तो सही है। सो हाँ गाइस वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो, पीएस गेमस्टर की वीडियो में मैं स्वागत करता हूँ गाइस यार। ओके तो गाइस देख सकते हो कि आज मैं यार क्यारा के साथ बाहर आया हुआ था। मतलब क्यारा ना पुलिस स्टेशन पे आई थी अपने, तो भाई क्यारा की ना बात नहीं मान रहे थे पुलिस ऑफिसर, तो मैंने इनसे आकर के थोड़ा इनको टाइट किया है। पता नहीं यार क्या है, नौटंकी करते रहते हैं वो। यहाँ पे सारे फ्रैंकलिन उधर किधर जा रहे हो, तुम कौन सी गाड़ी से आई थी? अर्टिगा। तो आओ ना भाई, मैं कौन सी गाड़ी से आया हूँ वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मतलब अरे तुम तो बता रहे थे मैं टैक्सी से आया हूँ। हाँ हाँ मतलब मैं अभी सैमन के घर पे था ना, तो मैं टैक्सी से ही आया हूँ। बात कुछ ऐसी है, मैं यहाँ पे ना गाड़ी पिक करने के लिए आया था। कौन सी गाड़ी है यहाँ पे? ये रही अपनी इटालिया खड़ी हुई है। अरे वाह इटालिया खड़ी हुई है। हाँ क्यारा आओ, चलो आओ, जल्दी बैठो जल्दी बैठो। अरे अरे वाह फ्रैंकलिन यार ये कितनी अच्छी लग रही है। हाँ यार गाइस यार, आप लोगों ने काफी दिनों से इसका वेट किया होगा ना, है ना। तो भाई साइमन ने ना इसको क्या बोलते बैनी ने इसको बना बना करके ना यहाँ पर खड़ी कर दिया था, है ना। तो मैंने बोल दिया, बोलने लग गया था कि फ्रैंकलिन भाई मेरे पे पार्किंग का स्पेस नहीं है, तो मैं तेरे पुलिस स्टेशन पर खड़ी कर देता हूँ, वहाँ से ले लियो। मैंने बोला ठीक है भाई मैं ले लूंगा। तो मैं साइमन के पास आया हुआ था, तो वहाँ से मैं टैक्सी करके आया। और नो बेबी, अबे क्या लिखा है नंबर प्लेट पे? पे यार ये बैनी भी ना यार हरकतें उल्टी करता है। अरे यार फ्रैंकलिन कोई नहीं ना, चलो। हाँ भाई हाँ चलते हैं। ओके सो गाइस चलो भाई अपने इस गाड़ी में चलते हैं विद अपने न्यू मेंशन पे। अरे फ्रैंकलिन वैसे आज करना क्या था? फ्रैंकलिन सर आए, फ्रैंकलिन सर नमस्कार। नमस्कार भाई नमस्कार, कैसे हो सर? सर बहुत मजेदार। हाँ ठीक है भाई ठीक है। ओके सर आप भी तो लाल टमाटर बड़ा मजेदार लेके चल रहे हो। हाँ भाई थैंक यू भाई। ओके तो भाई सर मैं गाड़ी की नहीं क्यारा मैम की बात कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा अभी साले छेड़ता है। अरे यार फ्रैंकलिन क्या अजीब अजीब लोग हैं। हाँ वो तो है ही। ओके तो गाइस आज लेके चल रहा हूँ मैं आपको अपने मेंशन पे, जो अपना नया मेंशन या मतलब मेंशन तो नहीं बोलूंगा, नया विला लिया है, बंगलो लिया है। अब उस बंगलो में गाइस क्या करना है ना कि गाइस आपको तो हाउस टूर करवाया ही नहीं है मैंने, तो भाई आपको ना मैं हाउस टूर करवाता हूँ। और पक्की बात है शिंचनी वाली पिंचन माइकल भाई ट्रेवर ये लोग सो रहे होंगे, हाउस टूर के साथ साथ ना मैं इनको उठा भी देता हूँ, है ना गाइस। तो चलो भाई लेकर के पहुँचते अपनी गाड़ी। बाकी आप लोग बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हाउस टूर आपका आपके सामने रहेगा भाई, मजा आ जाएगा आप लोगों को देख के कि भाई यार घर तो छोटा है लेकिन सुंदर बहुत है। हाँ फ्रैंकलिन ऐसे ही तो घर चाहिए था हमें। हाँ क्यारा, और जो कि हम लोगों ने, अरे यार हमारी गाड़ी ठुक बहुत रही आज। एक सेकंड ये किसकी कॉल आ रही है? अरे यार फ्रैंकलिन भाई तू गाड़ी लेकर चला गया? हाँ। अरे यार यार भाई, अबे बैनी तू नहीं तो बोलता? अबे फ्रैंकलिन उस गाड़ी के पीछे लिखा हुआ नो बेबी ये। अबे तो फिर क्यों लिखा भाई तूने? अरे यार फ्रैंकलिन चल कोई नहीं भाई, मेरे को कोई शर्म की बात नहीं है भाई, शर्म होती। अरे तेरी ये फ्रैंकलिन ढंग से चला लो सामान बजा के। हाँ भाई हाँ, अब पैसे दे जाइए। दे दूंगा भाई दे दूंगा यार, पैसे दे दूंगा। ओके ओके चलो भाई एंटर करते हैं अच्छी तरीके से घर के अंदर। गाइस घर की एंट्री यहाँ से होती है। फ्रैंकलिन यार सुनो। हाँ क्या रहा? अरे यार वो सिक्योरिटी। अरे हाँ यार सिक्योरिटी को भी तो बुलाना है। ओए आज इतनी कम गाड़ी है क्यों खड़ी हुई है भाई यहाँ पे? अरे पता नहीं यार आज क्या चक्कर है भाई, आज इतनी कम गाड़ियां क्यों खड़ी हुई है। अरे यार वैसे भी यार कमी रहे तो ज्यादा बढ़िया है। कैसे क्यों? अरे यार बात कुछ ऐसी है ना क्या रहा, सिक्योरिटी जब तक नहीं है ना तो डर बना रहेगा कि कोई भी यार हमारी गाड़ियां चोरी ना करके ले जाए यार, है ना। तो गाइस ये है अपना भाई घर, और भाई इसको रेनोवेट भी करवा सकते हैं। बाकी मैंने इसका अपना आज मैं आपको पूरे तरीके से टूर देने वाला हूँ, और हिमावरी पिंचन शिंचन और चौप ब्रूनो माइकल भाई ट्रेवर सब सो रहे होंगे, उन्हें भी उठाने वाला हूँ। तो गाइस आपको कुछ यूनिक लग रहा है ना भाई, मेरा ट्रक देख सकते हो किधर पार्क हो रखा है। अरे वाह फ्रैंकलिन कितना अच्छा लग रहा है ना ये। हाँ मतलब इधर पार्क हुआ यार अच्छा लग रहा है, क्योंकि यार ज्यादा काम आता नहीं है, अब उस टाइम पे ही मैंने रेस के लिए काम लिया था। अब यार रेस का कोई कंपटीशन होगा तो अब काम आएगा भाई, इसको अच्छी तरीके से मॉडिफाई करवा के ना फिर रेस करूंगा। शिट शिट फंस गया यार, फंस गया यार, क्या करा मैंने। क्यों करते हो फिर? अरे यार चलो भाई, लेकिन यार इतनी कम गाड़ियां, फिर गाड़ियां किधर पार्क करी होंगी यार, ये तो हमारी घर की कुक है ना। चलो यार देखते हैं भाई, ये तो गैरेज। ओए ये गाड़ियां इधर कैसे पार्क कर दी भाई? हमारे घर वाले भी ना एक नंबर के अजूबे हैं भाई साहब, देख रहे हो क्या रहा? अरे फ्रैंकलिन वही तो, ये देखो यार कैसे तरीके से खड़ी करी है। ओ भाई साहब गाइस क्या ही अलग तरीके से गाड़ियां खड़ी हो रखी हैं भाई, इतने ऊपर जा करके मैं यहाँ से देखू ना तब जाके मेरे को अच्छे से दिखाई देगी गाइस गाड़ी को कैसे खड़ी कर रखा है, देख सकते हो भाई। लेकिन यार फिर भी जो भी चीज है ना, न्यू एक्सपीरियंस है तो ब्रिलियंट लग रहा है सब कुछ। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना भाई, आप मुझे लग रहा है आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। फ्रैंकलिन यहाँ पे एक सिक्योरिटी नहीं है। किस बात की कह रहा? अरे यार फ्रैंकलिन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे गेट खोलो। हाँ ये देखो ये बाहर आ गए हम लोग। और ये तो भाई ये तो बहुत
भाई ये तो शिट। अबे यार एक सेकंड, यहाँ पे तो क्यारा के मॉम डैड रहते हैं, बहुत पास में है। वहाँ पे अपना लेस्टर रहता है और हमारे पास कौन सी अच्छी लोकेशन। अबे क्यारा हमारे मेंशन के पीछे तुमने बताया नहीं। क्या फ्रैंकलिन? हमारे मेंशन के पीछे कब्रिस्तान है। अरे अरे यार फ्रैंकलिन, तुमने पहले देखा क्यों नहीं था? अरे क्यारा हमारे मेंशन के पीछे कब्रिस्तान है भाई। अरे भाई ये क्या चक्कर है भाई, इसको खाली करना पड़ेगा। अरे अभी तो खरीदा है। अरे तो फिर हमारे मेंशन के पीछे कब्रिस्तान है, चले जाओ इस कब्रिस्तान के पास से। बताओ अभी तुम निकलो सालो, डरा रहे हो और खामो कहीं। अरे यार यार ये तो ये मेंशन के पीछे कब्रिस्तान है भाई, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक इलाका हो गया यार। हमने पहले यार देखने से पहले छानबीन क्यों नहीं करी। गाइस देख सकते हो मैंने ना इसका फ्रंट एरिया देखा था, फ्रंट एरिया पे थोड़ी ना ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। देखो कितना अच्छा लोकेशन है, गोल्फ कोर्ट आ रहा है, ये आ रहा है। लेकिन गाइस ये मेंशन इतना पीछे तक आता है कि भाई इसकी जब पीछे की एंट्री ये खोली जाए ना, ये वाली एंट्री कौन है कहीं, ये वाली एंट्री जब खोली जाए तो गाइस यार यहाँ पे आता है कब्रिस्तान। अरे नहीं यार कोई यहाँ से भूत उठ करके हमारे घर पे तो नहीं घुसेंगे है ना। अरे अरे फ्रैंकलिन यार चलो वो बात की बात है, लेकिन ऑडियंस से बात कर लेंगे, ऑडियंस को क्या है, क्या दिक्कत तो नहीं है? अरे मेरे को क्या दिक्कत है, कोई सर्बियन डांसिंग लेडी की 10-12 आत्मा ना आ जाए यहाँ पे है ना। बाकी तो यार चलो भाई मैं आपको ना टूर करवाता हूँ गाइस अच्छी तरीके से। चलो भाई घर के अंदर एंटर करके दिखाता हूँ मैं आपको कि भाई घर के अंदर का क्या सीन है, ठीक है अच्छी तरीके से। ओके सो गाइस घर के अंदर का कुछ सीन आपको ऐसा दिखाई देगा, देख रहे हो गाइस काफी ज्यादा सिंपल सोबर। और अब यार आप लोग आदत बना लो, अगर आप लोग हम लोगों को इस वाले मेंशन में ही रहना है तो भाई यही वाले बालकनी होगी, यही अच्छी तरीके से आपको व्यू आएगा देखने को है ना। तो ये अपना यार देखो छोटा है मेंशन, लेकिन काफी अच्छा है यार, छोटा नहीं है, अच्छा है मेंशन यार। तो क्या रहा ये ही है मेंशन? हाँ हाँ मैंने तो देख ही लिया। हाँ भाई हाँ, तो गाइस यार देख सकते हो ये रही अपनी ट्रांसपेरेंट वाली डाइनिंग टेबल, जिसपे माइकल भाई, ट्रेवर भाई, हम सभी लोग बैठ कर खाना खाते हैं, और जो यहाँ पे बैठ के खाना खा सकता है ना। काफी बढ़िया लग रहा है ना गाइस, कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, क्योंकि आपके कमेंट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस यहाँ पे आता है जिससे इस ये एंट्री है, यहाँ से तो हम अपने मेंशन के मतलब विला के अंदर घुसे थे है ना। तो भाई ये देख सकते हो एक टाइप का वाटरफॉल है, जो कि यार यही पानी वापस से ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये मेंशन का काफी बढ़िया व्यू हो सकता है। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको नीचे, देखो माइकल भाई, ट्रेवर भाई का रूम है, उससे भी नीचे मेरा रूम है। अभी दिखाता हूँ मैं शिनचैन हिमावरी पिंचर का कमरा, ये रहा भाई साहब। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट हैपेंड एंड व्हाट। अरे यार कैसा लग रहा है तुम्हें ये वाला रूम? बात का बहुत बढ़िया रूम है, लेकिन यार यहाँ पे थोड़ी हवा कोजी कोजी सी है, मतलब बाग साहब मेरी साफ कर दे नोजी, चुप बैठ जावे। ओके फ्रैंकलिन भैया थोड़ी सोने में दिक्कत आती है। सालो तभी तो तुम्हें मैंने अलग अलग रूम का बेडरूम दिया था, तब तो तुम्हें यार कोई भी दिक्कत नहीं थी, अब तुम्हें सोने में दिक्कत आ रही है, अब तुम्हारे हर जगह दिक्कत है। अरे नहीं यार, लेकिन फ्रैंकलिन भैया कल रात को जब हम सोए थे ना, हाँ बड़ी डरावनी डरावनी आवाजें आई थी। कैसे? अरे यार ऐसे छन छन छन। अरे अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, मैं बहुत जोर की भागा भी था। पता है क्यों? अरे यार क्यों? क्योंकि पीठ पीछे, तेरे को पता है शिनचैन? डराओ मत, आराम से बोले ढंग से। अरे फ्रैंकलिन भैया। अरे क्या रात, क्या किधर है भाई हिमावरी? फ्रैंकलिन भैया धीरे धीरे कैसे क्यों बोल रहे हो, डरा क्यों रहे हो? अरे क्यों, तुझे भी डर लगा था हिमावरी? हाँ फ्रैंकलिन भैया मुझे भी कल डर लगा था बहुत गंदे तरीके से। आओ मैं तुम्हें इस घर का रहस्य बताता हूँ। गाइस इनका ना थोड़ा सा पागल बनाता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया क्या करने वाले हो? अबे रुक जाओ, आओ तो सही मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ इस घर के बारे में। तुम लोगों को इस घर के बारे में किसी ने कुछ बताया नहीं होगा। इस घर में शिफ्ट होने से पहले जब मैं इस घर को देखने के लिए आया था ना शिनचैन, तब मुझे एक आहट महसूस हुई थी। किस चीज की आहट फ्रैंकलिन भैया? अरे अरे फ्रैंकलिन भैया हाँ किस चीज की? एक वो देख मेरे को किसी की परछाई दिखाई दी। यहाँ पे कोई है क्या इसका मतलब? हाँ शिनचैन। फ्रैंकलिन भैया मुझे कल ना एक एकदम पता है फ्रैंकलिन भैया, कल ना मेरे को झूमर घूमे तो सॉरी घूमर क्या बोलते हैं वो पैर में जो पहनते हैं। हाँ हिमावरी क्या बोला बोल? अरे झूमर की आवाज आ रही थी झुमके की। अच्छा अरे यार मैं फ्रैंकलिन भैया मुझे पायलों की आवाज आ रही थी छन छन छन। बाप तब और भाई मैं तो भौंक पड़ा भाई ब्रूनो की आवाज सुन के। फ्रैंकलिन भैया डर बहुत लग रहा है जगह पे, क्योंकि इस घर के पीछे है कब्रिस्तान। फ्रैंकलिन भैया ये मेंशन लेने से पहले आपने ये सब चीजें सर्च क्यों नहीं की? ये तो बड़ा डरावना हिसाब किताब हो गया।
मैंने तुम्हें बोला था ना। अरे एक तो अपनी आवाज ठीक करो और डरा रहे हो। अबे भाई मजाक कर रहा हूँ यार। मजाक कर रहे हो? हाँ भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई स्टोरी विस्टोरी नहीं है पर, लेकिन ये बात सच है कि यहाँ पे कब्रिस्तान है और अगर तुम्हें कोई डर लगे तो मुझे बताया ना, इसको खाली करके चल जाएंगे। हाँ फ्रेंकली भैया, हाँ फ्रेंकली भैया, लेकिन कब्रिस्तान है वो तो गलत चीज है ना। हाँ है तो आपने देखा क्यों नहीं? तुम लोगों भी तो मेरे साथ थे, तुम लोगों ने क्यों नहीं देखा? तो गाइस चलो भाई हम नीचे आ गए हैं, हम नीचे वाले रूम को दिखाते हैं आपको यार अच्छी तरीके से, देख सकते हो ये भी एरिया है काफी अच्छा। यहाँ पे मछली जल की रानी है, जीवन उसका सड़ा हुआ पानी है। अरे नहीं नहीं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे डर जाओगे, बाहर निकालोगे तो भर जाएगी। अरे रुक जाओ भाई, हमारा ये रूम है हमारा वो एडिटिंग एरिया है भाई। अबे यार मैं कैसे भूल सकता हूँ, गाइस ये हमारा एडिटिंग एरिया है, चिल एरिया है और यहाँ पे हम ना अपना बड़े बड़े से चीज़ें लेकर के आएंगे खेलने कूदने के लिए। तो ये तो हमारा एडिटिंग एरिया है भाई, मैं तो खाऊँ खाई यहाँ पे। हाँ माइकल भाई, ट्रेवर भाई और मेरा रूम दिखाने के लिए मैं चलता हूँ, तो गाइस उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऊपर। अरे वाह ऊपर भगवान के पास, मुँह बंद कर, मुँह बंद कर, बकवास करता है। अरे फ्रैंकलिन क्या रूम का टूर दे रहे हो ना, आओ तो सही। अरे हाँ यार गाइस मैं भूल गया था आपको कि यार हमारा रूम तो भाई दूसरी जगह पे पड़ता है। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया चलो जल्दी से। हाँ भाई सोफा एरिया और यहाँ से हम लोग जाएंगे ऊपर 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 ऊपर। माइकल भाई का रूम है ये रहा फर्स्ट फ्लोर पे। तो माइकल भाई ट्रेवर भाई एक ही रूम में रह रहे हैं भाई, तो भाई माइकल भाई ट्रेवर भाई कितना प्यार है। कई बात का प्यार नहीं है ये छोटे रूम, ये सिंचन वाली पिंचन ने बोला था इस वजह से हो रहा है ये सब। प्यार व्यार कुछ नहीं है राज दुलार। अरे भाई मैं बस इसलिए बात कर रहा था, माइकल भाई ट्रेवर भाई आपने बोला ही था ना, खुद नहीं तो बोला था ये वाले रूम में रहने को, अब आप लोग ही। अरे यार फ्रैंकलिन ऐसी बात नहीं है, अब बोला था कम से कम दो रूम तो होने चाहिए थे यार, लेकिन एक ही रूम है भाई। तो यार कोई नहीं ना, हो ठीक तो है। अरे अरे यार हमने पास पास रूम को बोले थे साले, तूने एक ही रूम करवा दिया यार, अब हर चीज में दिक्कत है यार, मैं क्या करूं यार। ऐसा कर कुछ भी कर, मलिबू मेंशन में चलते हैं। मलिबू मेंशन में फिर वो पानी वानी आता है, उसमें से शार्क निकल के आती हैं, कीड़े मकोड़े निकल के आते हैं, फिर उसका क्या। अरे यार फिर क्या करें, मलिबू मेंशन का तो एंड हो चुका है यार, प्लीज आप मलिबू मेंशन को अब नहीं जाएंगे भाई हम लोग, क्योंकि हम लोग भाई काफी बार मलिबू मेंशन में वापसी ले चुके हैं। लेकिन भाई यहाँ पे देखा जाए तो अगर फैमिली कम छोटी हो तो भाई कितना बढ़िया प्रीमियम वॉशरूम है, जकूजी है, नहाने को इलाका है भाई। माइकल भाई ट्रेवर भाई इन लोगों का नहाने का ना भाई साहब सब हो जाएगा। अबे तेरी की, मैंने शावर क्यों ऑन कर दिया। अरे अरे फ्रैंकली फ्रैंकली वीडियो बनाओ साले की, वीडियो बनाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे यार यहाँ पे भी वीडियो बना करेगी मलिबू मेंशन की तरह यार। एक तो यहाँ पे गेट में यार बंद लॉक करने का कुछ है नहीं क्या। फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन, हाँ क्या रहा, अपने रूम का भी तो टूर दो। हाँ 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 ओके। सो गाइस अब मैं अपने रूम का टूर देने वाले हैं, मतलब क्यारा और मेरा रूम जो कि मिलेगा आपको इधर। तो क्यारा और मेरे रूम के लिए देखने के लिए एक दबाएं, और अगर आपको माइकल भाई का रूम देखना है तो दो दबाएं। हाँ साले गैस सिलेंडर बुक कर रहा है ना, मुंह बंद कर ले फ्रैंकली, ज्यादा नोटिंग की मत कर। अरे हाँ हाँ, तो गाइस ये फर्स्ट फ्लोर है, ऑन द टॉप मतलब फर्स्ट फ्लोर पे भी गाइस यार एक ना यार ये देख सकते हो एडिटिंग एरिया है, मजेदार है ना भाई, ये होता है भाई, मजा आ गया। सो गाइस आप लोग बस जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस चलो भाई क्यारा और अपने रूम में आते हैं, और ये रूम देख सकते हो काफी सिमिलर लग रहा होगा शिनचैन हिमावरी पिंचन के रूम से, लेकिन गाइस हमारे पास है वी हैव अ ह्यूज बालकनी, व्हाइट कलर का बेड और भाई साहब बढ़िया वाला बाथरूम, व्हाइट व्हाइट सा बाथरूम है, व्हाइट व्हाइट फेस देखे दिलवा बीटिंग फास्ट ससुरा जान समारी रे। ओके सो गाइस ये वाला रूम है हमारा क्यारा और मेरा। मुझे लग रहा है कि आपको ना ये वाला मेंशन मुझे पसंद नहीं आएगा, आप लोग कहोगे कि भाई यार ये मेंशन छोड़ो वापस से गवर्नर मेंशन में जाओ। भाई मैं तो नहीं लेने वाला गवर्नर मेंशन, गवर्नर वो सॉरी गवर्नमेंट मेंशन जो था भाई बहुत महंगा है वो, है ना 700 करोड़ रुपए, और भाई है कितना रियलिटी उसकी 11 करोड़ रुपए, वो तो तुक्के से बिक गया था। अब मैं बेचने के चक्कर में पड़ा रहा ना भाई मेरी हालत खराब हो जाएगी। क्यारा किधर हो? हाँ फ्रैंकलिन। अरे यार भाई साहब मजा ही मजा आ गया, ये तो भाई इलाका है ही, और भाई साहब ये रूम मतलब घर बहुत ज्यादा सही है वैसे तो यार, काफी अच्छी प्रीमियम सीढ़ियां हैं, प्रीमियम डोर्स हैं, प्रीमियम हाउस है। क्यारा का क्यारा क्यारा भाभी क्यारा भाभी क्यारा भाभी की बात सुनो तुम लोग तो। अरे भाई ये भी देखो किचन, भाई किचन इतने सारे दे दिए भाई यार, मैं सोच रहा हूँ कि ये वाले घर अब बदलने पड़ेंगे लगता है, क्योंकि मुझे लग रहा शायद आप लोगों को पसंद नहीं आया। फ्रैंकली बकवास कम करो, सबको पसंद आया यार, ऐसा बोलोगे तो फिर ऑडियंस आप खुद ही बोलेगी कि यार फ्रैंकली को खुद पसंद नहीं आया तो फिर वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अरे यार क्यारा ये देख सकते हो गाइस, जब टूर दे रहा हूँ तो आपको मैं छत भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो हमारे यहाँ के सबसे बड़े चू आदमी का है ये घर। अरे यार फ्रैंकली भैया क्या कर रहे हो,
भाई देख रहे हो ना, अटैक तो होना चाहिए ना भाई। दूसरा ये कौन आया है, तूफान मचा रहा है। अरे भाई ये है एक मेरे दुश्मन का घर है भाई, मेरे स्कूल में ना टॉपर हुआ करता था। अब साले टॉपर तेरा यार मैं फोड़ूंगा ये मेंशन, अरे अच्छी तरीके से फोड़ूंगा। मेरे मेंशन पे हमला हुआ, पुलिस को कॉल करो। कॉल द पुलिस, कॉल द कॉप्स, कॉल द कॉप्स। हाँ कॉप्स बोलेगा, अरे बेटे की जान बुला ले पुलिस को, कौन है भाई पुलिस सबको पता है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया क्या करते हो यार। अरे यार फ्रैंकलिन तुम यार किसी का नुकसान काहे को करते हो। अरे यार क्या रहा, बाकी गाड़ियां इधर हैं, कोई सी गाड़ियां बाहर निकालो मजे से भाई चलेगी। यार मुझे तो डर लग रहा है कि कोई चुड़ैल बुड़ैला आ जाए भाई, सब बड़े भैया भयंकर हाल है। हाँ वो तो है ही। अरे यार फ्रैंकलिन भैया किधर। अरे भाई निकला मैं। ओए फ्रैंकलिन किधर निकला भाई। ओए यार तू तेरा सही है भाई साला, कभी भी निकल जाएगा मुंह उठा करके। यार जल्दी बैठो, ये लोग में से कोई भी आ जाएगा। फ्रैंकलिन भैया मैं अभी बताता हूँ आपको, अगर मैंने आपका पीछा नहीं किया ना तो मेरा नाम भी शिंचन नहीं। अरे चल भाई तेरा नाम शिंचन हो या पिंचन हो कुछ भी बात है, अब मैं लेकर के जा रहा हूँ गाड़ी को अच्छी तरीके से। हम लोग कहाँ निकलोगे, हम लोगों से बच के नहीं जा सकते। तुम लोगों से बच के मतलब क्या क्या बात बोलो। ओ अबे ये तो आ गया शिंचन पीछे के पीछे ही। अभी बताता हूँ मैं आपको। अरे पकड़ो इनको, पकड़ो दोनों को। अरे दोनों मियां बीवी अपने अपने घूम करके मोमोज खाते रहते हैं। अरे पकड़ हजारों, पकड़ हजारों को। अरे भाई ये लोग भी आ गए जैस को लेकर, ये लोग मेरी शामत आ गई भाई बुरी अच्छी तरीके से। फ्रैंकलिन निकलो जितनी स्पीड में निकल सकते हो निकलो। हाँ क्या रहा मैं निकल रहा हूँ जल्दी से, मम्मी तुम्हारे मम्मी पापा के घर पर छुप जाए। अरे यार जैसे कि हम लोग तो पहुंच नहीं पाएंगे, आपके यार गाड़ी में कैमरा लगा है, जो बात बोलोगे आपको समझ आए हमने समझ आ जाएगी। अरे भाई क्या रहा ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात हो गई। अरे यार फ्रैंकलिन उन्होंने कैमरे लगा रखे हैं। अरे यार शिट। अरे भाई यार तेरी की कोई हमारी पोर्शे पे चढ़ गया। ये देख सकते हो गाइस किस तरीके से ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। अरे क्या रहा क्या तुम्हारे मम्मी पापा के घर पे आराम आराम से पहुंचाते हैं। सुन लिया हमने, आप क्या रहा भाभी के मम्मी पापा के घर पे जा रहे हो। अरे भाई क्या रहा क्या रहा तुम्हारे मम्मी पापा के घर पे छुप जाते हैं ना यार कुछ नहीं। अरे यार फ्रैंकलिन पर उन्होंने तो सुन लिया ना। अरे भाई साहब अरे 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 आराम आराम से। ओ क्या रहा तुम्हारे मम्मी पापा कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। ओके सो गाइस चलो भाई ये लोग आएंगे क्या इधर, मैंने देख सकते हो। अबे ये ब्रूनो कहां से आ गया। अरे अभी तो आपकी गाड़ी से उतरा हूं। तू मेरी गाड़ी में कब घुस के बैठ गया। अरे यार मैं आपसे बहुत बड़ा तेज हूँ, मुझे पता चल गया था भागने वाले हो। ओ क्या रहा ये लोग तो अभी तक नहीं आए। अरे फ्रैंकलिन चकमा खा गए होंगे। हाँ ये तो बात है भाई, और भाई इनका कैमरा फोड़ो जल्दी से। अरे हाँ मैं फोड़ती हूँ जल्दी से। मैं फोड़ दिया फ्रैंकलिन। हाँ ये सही किया क्यारा ने, गाइस क्यारा ने कैमरा फोड़ दिया है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया कहाँ गया, क्या फ्रैंकलिन भाई की आवाज नहीं आ रही। अरे अरे तो पता ही नहीं है क्या शिंचन किधर गया ये। अरे नहीं यार बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है किधर गए हैं। अरे यार जहाँ पे भी मिलेंगे ना इनकी ऐसी तैसी बजाएंगे भाई बड़ी दी। अरे अरे फ्रैंकलिन ने तो पूरी ऐसी तैसी बजाने के मूड में है। और क्या भाई ये देखो ये लोग तो इधर ही अटके पड़े हुए हैं। ओ भाई साहब ये तो इधर ही अटके पड़े हुए हैं भाई। शिंचन के स्कूल में जाके ना शिंचन का एडमिशन करवाए तो ज्यादा पड़ता है अपने ना। ओके सो गाइस चलो 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 एंटर एंटर एंटर। अरे फ्रैंकलिन ये स्कूल में प्लीज समोसे खिला दो मुझे। अरे चलो भाई क्यारा को समोसे खिला देते हैं, क्यारा को समोसे यहाँ के पसंद है बहुत ज्यादा। यहाँ पे ये शिंचन भाई यकीन ही नहीं मानेगा कि भाई मैं स्कूल भी आ सकता हूँ। तो भाई ये ऐसे ऐसे कुछ एरिया है कि जहाँ पे वो लोग मान ही नहीं सकते कि मैं स्कूल भी जा सकता हूँ, तो भाई यहाँ पे ये लोग आएंगे नहीं। उससे अच्छा यार मैं क्या रहा आ जाओ भाई आ जाओ जल्दी से यार समोसे। ओ अंकल जी। अरे अरे फ्रैंकलिन बबुआ बड़े दिनों बाद आए हो। हाँ जी अंकल जी चलो भाई साहब 6-7 समोसे लगा दो हम लोगों के लिए। ओ बेटा खाओ 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 पियो ऐश करो मित्रों, दिल पार किसी ने दुखायो ना। अरे अरे यार फ्रैंकलिन भैया हमने देख लिया आप कैंटीन में घुसे हुए हो। क्या रहा अभी तो समोसे खिला रहे हो गए। मे बी यार मे बी नॉट माइट नॉट एट नॉट। भाई यार दो शब्द क्या पढ़ ले अंग्रेजी के भूखने लग जाएगा। फ्रैंकलिन समोसे। अरे पैक कर लो ना। हाँ मैंने पैक ही तो कर लिए। आओ जल्दी बैठो क्या रहा जल्दी से गाड़ी के अंदर। हाँ किधर हो तुम। अरे क्या रहा जल्दी भाग करके आओ यार किधर रह गई। अरे अरे आ रही हूँ मैं यार, तुम यार इतनी जल्दी स्पीड में निकल जाते हो मैं क्या करूँ। अरे मेरे को गाड़ी दे दो चलाने को, मैं बताती हूँ फिर कैसे होती है स्पीड। अरे यार मुझे लग रहा है मलिबू मेंशन में जाना पड़ेगा। फ्रैंकलिन मलिबू। ये शिंचन। फ्रैंकलिन भैया माइक तोड़ दिया, इसका मतलब आपको क्या लगता है कि मैं आपका पीछा नहीं कर सकता। अरे ओ जैसको मैं हम लोग याद रखियो। अरे याद क्या रखू भाई, देख रहे हो भाई पूरी अच्छी तरीके से पीछा करे जा रहा है, मेरे पीछे लगे पड़े ये लोग। ओके तो गाइस क्या रहा मलिबू मेंशन में चल जाते हैं। फ्रैंकलिन मलिबू मेंशन में हम वापस नहीं जा सकते। क्या रहा कैसे जाएंगे, क्योंकि यार बात कुछ ऐसी है कि मलिबू मेंशन में वो शार्क वार्क आया करती थी और वो स्टार फिश आया करती थी, करंट वाली फिश आया करती थी, तो सब लोग डर गए थे, तभी तो मैंने वो मेंशन चेंज किया था, नहीं तो भाई उस मेंशन को चेंज करने में कोई दिक्कत थोड़ी थी। और बाकी मलिबू मेंशन का तो हमने एंड कर दिया है भाई, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें थंबनेल में डाला था भाई एंड ऑफ मलिबू मेंशन है ना। हाँ बात तो सही है, तो हम कभी नहीं जाएंगे क्या। नहीं यार पर फिर उसको तुमने बेचा तो नहीं है।
हाँ बात तो सही है, पीछा नहीं है इसका मतलब इरादा है। अरे यार क्या रहा, ऐसी बात नहीं है। समझ गई हूँ मैं अच्छी तरीके से। अरे यार रेख ले भैया यार, कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे अरे फ्रैंकली स्पीड में बढ़ाओ और एक बार मलिकू मेंशन की झलक दिखला दो। अरे झलक तो पिछली बार भी दिखाई थी लास्ट एपिसोड में, और भाई साहब झलक ही दिखलाता रहता हूँ। झलक दिखला जा एक बार, आ जा 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 एक बार, आ जा 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 जा। गाइस मेरा गाना आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, और ये गाड़ी को हम लेकर जा रहे हैं। अरे यार फ्रैंकली भैया आए बड़े बन करके, बन जाऊंगा आपको दिखाया, मैं बताऊंगा कि मैं किस खेत की मूली हूँ। तो किसी खेत की मूली नहीं है, तू सड़ी हुई खेत की मूली और तू सड़ा हुआ आज सेब है। अरे छी यार मेरे को इतना बकवास करने के लिए फ्रैंकली भैया, आप लोगों को शराब है किस चीज का? अरे जाओ बाहड़ में जाओ, मैं नहीं बताता, शराब भी नहीं बताऊंगा आपको। मैं तो काय बात का शराब दिया भाई। फ्रैंकली तुम भी किधर आ गए? क्या रहा, कुछ मत बोलो भाई, कहीं सुन तो नहीं लेंगे, और भी कोई माइक वाइक तो नहीं लगा रखा है? अरे पर पीछा तो कर ही रहे हैं वो। क्या पीछे हैं क्या हमारे? हाँ फ्रैंकली पूरे पीछे ही हैं। अरे नहीं है कहीं गई यार, क्या रख काम का क्यों डरा रही हो? ओके सो गाइस ये हमारा शोरूम है, कार शोरूम, काफी दिनों से हम लोग आए भी नहीं थे, तो इस बहाने यार यहाँ पे छुप भी जाएंगे। अरे जाओ तुम बिजनेस के चक्कर में नहीं आया, छुपने के चक्कर में आया। अरे भाई क्या रहा बेइज्जती मत उड़ाओ यार, वैसे ही यार ये लोग मेरी ऐसी तैसी बाहर के रखते है। ओके कोई बात नहीं गाइस, अब लोग यार छुपते छुपाते आ गए हैं अपने ये वाले बे लग्जरी का शोरूम, लग्जरी का शोरूम। अरे यार बढ़िया शोरूम है फ्रैंकली हमारे ये वैसे। हाँ क्या रहा, वैसे तो हमारा शोरूम तो काफी ज्यादा बेस्ट है ये। ओके तो गाइस चलो भाई इधर ही हम अपनी गाड़ी को खड़ी करते हैं, और भाई साहब अब आके दिखाओ किसी में दम है तो। देखे जरा किस में कितना है दम, खाएंगे दूसरों का बम मेरे। छी क्या बकवास करते हो फ्रैंकली तुम। अरे कैसी लगी बकवास मेरी? ओके गाइस दिख रहे हैं क्या आप लोगों को ये? देख सकते हो मैं इधर देखता हूँ, इधर यार ये लोग आए हैं नहीं आए हैं कुछ नहीं पता गाइज इनकी। अगर आए होंगे तो गाइज ये लोग इधर साइड से आए होंगे, और ये लोग तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे भाई, नज़र ही नहीं आ रहे हैं। तो भाई नज़र नहीं आ रहे तो इसका मतलब मज़ेदार है चीज़ है कि ये लोग नहीं पकड़ पाएंगे मेरे को, है ना गाइज। ओ भाई आ गए, ये लोगों को कैसे पता चला भाई? ये तो शिनचैन काफ़ी स्पीड में ला रहा है फरारी को, ये ला रहे भाई माइकल भाई और पिंचन। और भाई साहब ये तो, अरे जा बच के दिखाओ नाटकट, अभी बताऊंगा आपको। अरे भाई ये तो पूरे घर के पता भैया, मैं अपने यार कार शोरूम के सामने ही आ जाएगा ये शिनचैन बेवड़ा। मैं तेरी की गाइज क्या करूँ क्या ना करूँ, समझ नहीं आ रहा, समझ से परे है सारी बातें। ओके तो गाइज आप लोग बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो गाइज। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे गाइज जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टाटा टेक केयर। अभी ना मैं कुछ काम करके देखता हूँ। देख लिया ना, पकड़ लिया ना, टायर पंचर मेरी गाड़ी का। अबे रुक जा, आने दे आने दे आने दे आने दे। ओ फ्रैंकलिन टायर पंचर कर दिया। अरे यार सबका टायर पंचर कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।